कोविड के बीच लगातार काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब होने और उनकी मौत होने की दुखद खबरें आ रही हैं। ऐसी में एक एक्ट्रेस, फेमस एक्ट्रेस के पिता की मौत की खबर आई और उसने निराश होकर के कहा कि मेरे पिता की जान बचाई जा सकती थी। क्यों ये ऐसा कहना पड़ रहा है कि मेरे पिता की जान बचाई जा सकती थी? किन लोगों ने वो जान बचाने में अड़ंगे लगाए या फिर क्यों बचाई नहीं जा सकी ये जान? कौन है वो एक्ट्रेस और क्या है पूरी कहानी, आपको बताऊंगी इस वीडियो में। संभावना से बिग बॉस फेम और जो जिनके वीडियोस व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनके बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं, भोजपुरी फिल्मों और साथ साथ टेलीविज़न, बिग बॉस की ऑडियंस उनके वीडियोज़ को देखती है। उनके पिता की तबीयत ख़राब हुई, 2 दिन पहले उनका निधन हुआ है और उन्होंने पोस्ट किया है, हालांकि उनके निधन की खबर उनके पति ने, अविनाश ने पोस्ट करके बताई, मगर उसके बाद संभावना ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, एक तस्वीर डाली पिता की, अपने शादी वाली तस्वीर डाली है, ये देखिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ट्विटर पर, और लिखा, माई फादर कुड हैव बीन सेव्ड, इट वॉज नॉट जस्ट कोविड विच किल्ड हिम, सिर्फ कोविड ने उन्हें नहीं मारा है तो और क्या है जिसने उन्हें मारा है। तो वो कहती हैं कि जब 30 अप्रैल को पहली बार उन्होंने लिखा कि पिता की तबीयत ख़राब है, दिल्ली के प्रीतमपुरा में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, क्या कोई मुझे बेड दिलवा सकता है, तो डेफिनेटली ये वो लोकेशन होगी जो उनके पेरेंट्स से घर के पास होगी, उनके पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं। मेरे पिता कोविड पॉजिटिव हैं, उन्हें तुरंत बेड की ज़रूरत है, वो मेरे भाई के बाहर 7 अस्पताल के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। 2 मई को वो इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो में आई और उन्होंने कहा, अपने मेरे पिता की तबीयत में सुधार हो रहा है, हालांकि ये भी कहा कि उनके पिता की स्थिति स्थिर नहीं है, रिकवर होने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि बहुत से प्रभावशाली लोगों को जानती हैं लेकिन अपने पिता के बारे में बात करने में उन्हें शर्म महसूस हो रही है। आमतौर पर ऐसा होता है, आप किसी और के लिए बात कर लेते हैं मगर खुद के लिए बात करने में आपको ऑकवर्ड लगता है। उन्होंने कहा, कश्मीरा शाह, मोनिका बेदी, राखी सावंत और कविता कौशिक जैसे लोगों ने काफ़ी मदद की। संभावना ने एक्टर मनोज तिवारी को भी धन्यवाद दिया जिनकी वजह से पिता को अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया। लेकिन अब जो ट्वीट संभावना का आया है उससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि संभावना के पिता का ठीक से इलाज नहीं हुआ था। संभावना ने, मुझे याद है 5 मई को एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जहां वो खबर लेती हुई नजर आ रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक वीडियो था। जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने, ज़रूरतमंदों को लूटने वाले की क्लास संभावना सेठ ने लगा दी थी। मगर अब संभावना सेठ का ये कहना कि सिर्फ कोविड ने ही उनके पिता की जान नहीं ली है, उन्हें बचाया जा सकता था, बहुत सारी अटकलों पर जो है उनकी तरफ इशारा कर रहा है। क्या कोई और कोताही हुई है? आने वाले वक्त में संभावना क्या कहती है उसका इंतज़ार करना होगा। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना।